अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा ने चौधरी चरण सिंह की धूमधाम से मनाई जयंती। चौधरी चरण सिंह की लगेगी 51 फीट ऊंची प्रतिमा बिलारी। क्षेत्र के गांव ढके नरू स्थित आशीर्वाद फार्म में अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा के द्वारा आयोजित बैठक में चौधरी चरण सिंह की धूमधाम से जयंती मनाई गई, जिसमें अनेक अतिथियों ने भागीदारी की और जाट समाज की एकता पर विशेष बल दिया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अनेक अतिथियों ने विचार व्यक्त किए और उनके जीवन आदर्श पर चलने का आह्वान किया। इसके अलावा पास में ही अवंतपुर रोड पर स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क का शिलान्यास भूमि पूजन करके किया गया, जिसमें अनेक जाट समाज के लोगों ने भागीदारी की। इस दौरान मुख्य रूप से अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना चौधरी उर्फ मुन्ना चौधरी, विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, अनिल चौधरी, चौधरी ऋषिपाल सिंह, ज्योति चौधरी, चौधरी उदयपाल सिंह, चौधरी रामपाल सिंह, चंदन पवार, सुनील लाठर आदि सहित अनेकों जाट समाज के लोग मौजूद रहे। उसका मकसद है कि बिलारी की सरजमी पर एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिस स्मारक को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के जो किस हमारे चौधरी चरण सिंह जी की अनुयायी यहाँ पर उनकी आस्था उनकी जुड़े, इसको लेकर ट्रस्ट के द्वारा 7 बीघे जमीन खरीदी गई है। आज हम सब लोग वहाँ चलेंगे और उस जमीन पर स्मारक का जो हमारा ये नवनिर्माण होना है उसमें हम आप सभी जो हमारे संरक्षक महोदय हैं और साथ ही साथ हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके माध्यम से उन्हीं के सानिध्य में आज भूमि पूजन प्रस्तावित है। मैं कुछ शब्दों में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन विषय से संबंधित है। इस ट्रस्ट के माध्यम से हम जो चौधरी साहब के अनुयायी हैं उन अनुयायियों में जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को हम लोग यहाँ पर एक शिक्षण जो ऑनलाइन शिक्षा के जरिए हम लोग पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐसे अनुयायियों को जोड़कर फ्री गाइडेंस और फ्री शिक्षा देने जा रहे हैं। और यहाँ पर इस स्मारक में शुरुआत में हम लोग 51 फीट ऊंची चौधरी साहब की प्रतिमा यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। ये प्रतिमा पूरे देश नहीं पूरा वर्ल्ड में चौधरी साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी और उनके लिए बहुत ही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 500 सीटों का एक ऑडिटोरियम बनेगा। इस ऑडिटोरियम के माध्यम से हम लोग आपने देखा होगा कोविड के समय में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, शिक्षा में भी बहुत परिवर्तन आया है। बहुत सारे जो बच्चे जो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि आर्मी के अलावा या पुलिस के अलावा भी और सारे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम जा सकते हैं। हम वहाँ के माध्यम से वहाँ ऑनलाइन हम लोग ऐसी क्लास चलाएंगे जिसमें लाखों ऐसे वंचित समाज के वंचित बच्चों को वहाँ से हम फ्री गाइडेंस देने का काम करें। तो ये 500 सीटिंग का ऑडिटोरियम बनेगा। ये ऑफलाइन शिक्षा भी यहाँ से दी जाएगी और ऑनलाइन भी यहाँ से शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक यहाँ शुरुआत में हम 20 कमरे बनाने जा रहे हैं और इन 20 कमरों में ऐसे जो चौधरी साहब के अनुयायी हैं जिनको जो बुजुर्ग हैं खासकर और जिनको एक तरह से समाज में जो जरूरतमंद जो व्यक्ति के जीवन में जरूरतें होती हैं खाने की पीने की स्वास्थ्य वो नहीं मिल पा रही हैं ऐसे चौधरी साहब के अनुयायियों को यहाँ 100 अनुयायियों को यहाँ खाना पीना रहना की व्यवस्था हम लोग यहाँ कराएंगे। मैं सभी जो यहाँ के इस ट्रस्ट के जो संरक्षक हैं बहुत ही सम्मानित हैं, बहुत ही हम लोगों के आदर्श हैं। मैं उनका भी परिचय आपसे करा देना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे कमिश्नर मुरादाबाद में आप कमिश्नर रहे हैं
और चौधरी साहब से बहुत ज्यादा प्रेम उधर के आ रहे हैं, एक मिनट के लिए वो पुष्पांजलि करने लग गए थे। हम ट्रस्टी भी हैं सुरेंद्र सिंह वर्मा जी, और आप जो हैं संरक्षक भी लगा करते हैं पुष्पांजलि कर रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। ना भाई लगेगी नहीं पूजन नहीं चाहिए। हमारे बीच में हरफूल सिंह जी बैठे हुए हैं आसाम से आए टेबल पर रखकर, और आपको मैं बताते हुए बड़ा, तभी तो मैं आपसे करंट से इधर आते हैं यहां से कि आसाम जैसे स्टेट में 20 करोड़ लागत से वहां पर आपके सानिध्य में जाट भवन तैयार किया गया आसाम के लिए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में चूंकि मैं जिनका शिष्य हूँ और जिन्होंने मुझे इस एक शिक्षा दी है, रास्ता दिखाया है, मेरे बीच में हम सबके आदरणीय सम्मानित जनरल साहब जनरल अहलावत जी बैठे हुए हैं। आप अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और पूरे प्रदेश में आपने जाट समाज को सही दिशा दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और अब इस समय आप अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के आप प्रमुख संरक्षक हैं और मेरे गुरु हैं, तो मैं आपका भी दिल की गहराइयों से इस आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। इनका जाट भवन में देखे आया हूँ गुवाहाटी में, एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, दिल खुश हुआ। हमारे तुम्हारे बीच में ही हमारे ट्रस्टी, क्योंकि ये सब ट्रस्टी हैं, आप समझ सकते हैं कि इस ट्रस्ट की क्या वैल्यू है, क्योंकि इसमें सारे वो लोग हैं, इसमें ट्रस्टी हैं, इसके सदस्य हैं ट्रस्ट के, जिन्होंने अपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि बिलारी जैसी जगह में आप लोगों का सानिध्य, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, और पूरे प्रदेश में बिलारी को चुना है, इसके लिए आपको तहे दिल से एक बार और धन्यवाद। हमारे बीच में पवार साहब जनरल साहब बैठे हुए हैं, आप भी ट्रस्टी हैं और संरक्षक हैं ट्रस्ट में, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारे अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के और प्रधान संगठन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के प्रदेश महासचिव आदरणीय बालियान जी, ये बहुत ही संघर्षी व्यक्ति हैं। आपने प्रधान संगठन में भी जबरदस्त काम किया है, और जाट सभा का तो आपने वहाँ पर मुजफ्फरनगर में टंका बजा रखा है, आपका भी बिलारी में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनका तो मैं दिल की गहराइयों से आप सभी की तरफ से और सभी ट्रस्टियों की तरफ से, क्योंकि आप एक ऐसी पोस्ट पर हैं और साहब बिलारी की मीडिया की ओर से भी, बिलारी की मीडिया की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे बड़ी बात है कि आपने पूरे मुरादाबाद में जिस तरह से एक अधिकारी को लेकर जैसे खौफ होता है आमजन में, वो खौफ आपने खत्म कर दिया। कोई भी आपको, कोई भी वंचित समाज से कोई भी आपको डायरेक्ट फोन करके और आपसे वार्ता करके, और आप सबकी समस्याओं के लिए मैं देख रहा हूँ लंबे समय से कि आप 24 घंटे तैयार रहते हैं, और आप यहाँ आए और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप चीफ गेस्ट हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे क्षेत्रीय विधायक फहीम साहब, इनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका शुक्रिया अदा इसलिए भी कि आपके फादर जो मरहूम विधायक हाजी इरफान साहब जो हैं, वो भी चौधरी साहब के बहुत बड़े अनुयायी रहे। मैं उनसे जुड़ा रहा और हमारे जाट समाज के बहुत सारे लोग उनसे जुड़े रहे, सबने रिक्वेस्ट की, और आपके कार्यकाल में एक नहीं तीन चौधरी साहब के पार्क लारी क्षेत्र में बनवाए गए, जहाँ से आप लोग आ रहे हैं वो भी आप हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनका प्रयास उसमें रहा है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है ना। और उसके बाद ये जो आपका इसमें गन्ना सोसाइटी, वहाँ भी आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। साथ ही साथ हमारा जो ढकिया नरू गाँव है, क्योंकि तो मैं उसमें उस समय प्रधान हुआ करता था, तो आपने उस समय ये 2000 कब की बात है, 2012 में उस समय विधायक निधि से 12 लाख रुपए देकर आपने ढकिया नरू में भी चौधरी साहब का पार्क बनवाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप क्षेत्र के विधायक हैं और चौधरी साहब के अनुयायी हैं, तो एक आप अपनी तरफ से चौधरी साहब के लिए एक कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो आप संस्थान जो हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप चौधरी साहब को श्रद्धांजलि के रूप में कोई ना कोई अपनी तरफ से कोई घोषणा करें। और मेरे बीच में हम सबके बहुत ही प्रिय हमारे बड़े भाई अनिल चौधरी साहब थोड़ा देरी से आए हैं, लेकिन पहुंचे थे भाई, वो उधर पहुंचे थे, भूमि पूजन पहुंचे थे, वो लगातार सारे समाज पर
बना रहता है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस बीच चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, आप सब लोग मेरे हमारे अखिल उत्तर प्रदेश जाड़ महासभा के संरक्षक आदरणीय रामपाल बाबू जी, बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, अब मैं तो सबसे परिचित हूँ, आप भी मुझसे परिचित हो, लेकिन आज का समय बड़ा ही मूल्यवान है क्योंकि भोजन की व्यवस्था की गई है और सब लोगों को एक साथ बैठ के वहाँ से आके भोजन भी करना है, ये जरूरी है, ठीक है। और आप लोग बाहर से आए हैं, मैं चाहूँगा कि दो दो मिनट अपना जो है आशीर्वाद स्वरूप जो है अपने विचार जरूर रखें। आप सभी का बहुत बहुत निभाया और इसमें चुनाव बड़े बड़े चुनाव इतने प्यार से करा दिए, बड़े बड़े हर्डल आए, उसमें एडीएम साहब का तारीफ लफ्ज छोटा है, उनकी मोहब्बत और उनका प्यार इलाके के लिए बहुत बड़ा है। मेरे भाई, प्यारे भाई, जिनसे मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, मुन्ना भाई, हम बचपन के साथी हैं, एडीएम साहब एक दूसरे के साथ बचपन से ही खेले कूदे बड़े हुए, शुरू से ही मुन्ना भाई को एक आदत रही कि समाज सेवा का भाव था इनके अंदर। हम दोनों ने बचपन में, हम सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं, तब से हम दोनों भाइयों ने खाना साथ में खाना, बैठना उठना, और एक प्लानिंग की कि कुछ ऐसा किया जाए जो समाज में एक समाज सेवा की जा सके। ईश्वर भगवान अल्लाह जो ताकत है उसकी मेहर हुई, आज बहुत करम है ऊपर वाले का कि मुन्ना भाई का एक अपना एक ऐसा इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है कि बिलारी नहीं, मुरादाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुन्ना भाई ने प्रधान संगठन से लेकर सामाजिक तौर पर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मेरे छोटे भाई और दोस्त मेरे उदयवीर भाई जो इस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी हमारे क्लासमेट रहे हैं, साथ पढ़े हैं, हम दोनों भाइयों ने भी सिक्स क्लास से रामचंद्र इंटर कॉलेज में एक साथ साइकिल से जाते थे, आज उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। मेरे वालिद मोहतरम चौधरी साहब को बेनतहा उनसियत इसलिए रखते थे कि सन 77 में मेरे नाना विधायक थे रामपुर से, तब चौधरी साहब से उनका ताल्लुक रहा और वो रिश्ता था इस तरीके का कि चौधरी साहब को हमेशा विधायक जी एक सरपरस्त के तौर पर देखते चले आए। आज उनके यौम पैदाइश पर हम विधायक जी को भी याद कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर इससे पहले कोई चौधरी साहब के नाम पर पार्क नहीं था, लेकिन बाबूजी बैठे हैं, सब लोग मौजूद बैठे हैं, हमारे सरपरस्त सारे लोग बैठे हैं, फौजी भाई से लेकर चेयरमैन साहब सब लोग, अनिल चौधरी साहब के अबू जी ने, विधायक जी ने यहाँ तीन तीन पार्क, आपके आशीर्वाद से यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा आज के दिन, क्योंकि चौधरी साहब से हम भी बहुत प्रेरणा लेते हैं, उनके बताए रास्तों पर अगर चलेंगे तो सियासत में कभी मात नहीं खा सकते। तो आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा आप सबकी सरपरस्ती में, आप बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में, कि मुन्ना भाई ने जो जिम्मेदारी मुझे दी या मुझसे बात की, मैं आज इस मंच में, इस जगह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस अच्छे प्रोग्राम का मैं हिस्सा बना, ऐसे मौजूद लोगों का। हमारे बीच में चौधरी साहब, ऋषिपाल भाई साहब भी मौजूद हैं, मैं ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बना जिसमें आप जैसे मौजूद और इलाके की शान और हमारे विधानसभा बिलारी के सब बुज़ुर्ग जो इस बिलारी के लिए एक पहचान है, कोई नाम के मोहताज नहीं, सब लोग ऐसे समाज के रक्षक हैं, समाज के निर्माण करने वाले लोग हैं जिसके सामने मुझे आज बोलने का मौका मिला। मैं बस यही कहूँगा कि अपने वालिद मोहतरम की उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, जो इतनी बड़ी प्रतिमा जो वाकई एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है मुन्ना भाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एडीएम साहब के आदेश से कि जैसे ही प्रतिमा से पहले आप जब भूमि पूजन करेंगे तो उसकी बाउंड्री वॉल में चाहे 10 लाख खर्च हो, 15 हो या 20 हो, मैं आज ही अपनी विधायक निधि से घोषणा करता हूँ पूरी उसको मैं बाउंड्री वॉल कराने का काम करूँगा, और उसके अलावा भी जो आदेश मुझे आप सबका होगा मैं हमेशा आपके आशीर्वाद का कांक्षी रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब अमर रहे हैं, और मेरे वालिद साहब का ये ख्वाब है कि वो एक ऐसा बने जो आप सोच रहे हैं उसमें मैं आपके साथ मिलकर जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी एक खादिम एक सेवक की हैसियत से काम करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पर आने का अवसर दिया आज के मुख्य अतिथि श्री श्रेम सिंह जी, मेरे साथी संरक्षकगण और विधायक जी, बाकी जनमान्य यहाँ के नागरिक और प्रधान बंधु, 82 से 85 तक ही रहा हूँ मुरादाबाद में, ना तब संभल था ना अमरोहा, मुरादाबाद ही था, और घूमने फिरने का, किसानों के बीच में जाने का अवसर में छोड़ता नहीं हूँ, जाता जरूर हूँ। इसीलिए उसके बाद 15 साल के बाद जिलाधिकारी रामपुरा, थोड़े थोड़े दिन रहा,
तीन साल फिर बिजनौर में जिलाधिकारी रहे और छह महीने रहा पर दो बार मंडलायुक्त मुरादाबाद भी रहा हूँ। चौधरी साहब के संस्मरण तो मेरे साथ बहुत है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किसानों को आज उनकी जमीन का मालिकाना हक अगर किसी ने दिया तो वो थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी। लोग कहते थे, एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत आजकल कुछ का कुछ लिख के आता था, अभी भी आया हुआ था प्रधानमंत्रियों के बारे में, तो लिखा हुआ था अनपढ़ प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे ख्याल से स्वतंत्रता के बाद से अब तक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री बना चौधरी चरण सिंह। उनकी लिखी हुई किताबें, मेरे पिता नौकरी में थे साहब, उन्होंने लाला के मुझको दी थी। आज शायद हम पिता के रूप में अपने बच्चों को बुक्स नहीं पढ़वा पा रहे हैं, लेकिन पढ़िए रूरल इकोनॉमी पर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर जो उन्होंने लिखा है शायद ही कोई अर्थशास्त्री लिख पाता है। शिष्टाचार पर उनकी बुक है, पढ़िए केवल आपको लगेगा कि आज इस आदमी ने, मैंने तो PCS ट्रेनिंग सेंटर पे एटीट्यूडनल चेंज के कोर्स किए हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं मुझे ऐसा लगता है उनकी शिष्टाचार बुक पढ़ लीजिए आप, तो आपको लगेगा कि आपने उन टीचर से बहुत ज़्यादा ज्ञाता की किसी किताब पढ़ी है। मैं नमन करता हूँ उस पुण्य आत्मा को, और कुछ दिया नहीं दिया, किसानों को सम्मान दिया। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। मैं तो बहुत छोटा था साहब, मुजफ्फरनगर में पढ़ा करता था, हमें पता चलता था कि 12 किलोमीटर दूर चौधरी साहब की आज सभा है, नहीं पता था हमको कि चौधरी साहब आप क्या बोलेंगे, ना हमें इतना पता था कि भाई क्या किस लिए सभा है, क्या वो प्रवचन देंगे। उसके बावजूद एक साइकिल पे तीन तीन बच्चे बैठ के पहुंचते थे और केवल उस व्यक्तित्व को देखते थे कि एक साधारण परिवार से निकल के एक व्यक्ति इस सर्वोच्च पदों पर भी जा सकता है। मैं आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आज किसान दिवस भी है, किसान दिवस की सभी को शुभकामनाएं और इस पुण्य आत्मा को सत सत नमन। और जितेंद्र जी जिस अभियान को लेके चले हैं, बाधाएं तो आएंगी साथ और जुड़ते भी बहुत कम लोग हैं, सही बात, लेकिन आप चलिए, आपके साथ हम मजबूती के साथ चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये संस्थान बहुत अच्छे से स्थापित हो और इसकी गूंज बिलारी की दूर दूर तक लोगों को महसूस हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये अच्छा दिन ये भी है कि चौधरी साहब सारा जीवन उच्च विचार रखने वाले, जिनको हम सभी लोग दो चार दिन याद रखते हैं सर को, जितेंद्र जी का ये धन्यवाद दूंगा। वास्तव में उनमें हौसला है, लगे रहते हैं और देखिए वास्तव में आपको
पांच ईटे दे दो भैया। यशवीर उठा लो, उठा लो, नहीं तुम दे दो, पांच उठा लो, सही ओम पवित्रो पवित्रो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सत्यनारायण गतवा सत्यनारायण देवता वर्णो देवता शांति पृथ्वी शांति आपा शांति ओम गणानंदा गणपति अंगवामहे देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वासुदेव देवताभ्यो नमः, भरत देवताभ्यो नमः, भाई देवताभ्यो नमः, अर्जुन देवताभ्यो नमः, पंच लोकपालभ्यो नमः, दशपालभ्यो नमः, चतुर्योगनाथ नमः, प्रधान देवी देवताभ्यो नमः, समर देवी देवताभ्यो नमः, आवानम स्थानम समर्पयामि नमो नमः। ओम गणानंदा गणपति अंगवामहे प्रियनांदापति अंगवामहे दिदिनांदाधिपति अंगवामहे ओम गर्भधम संदेशाहिताय श्रीमद महागणाधिपतये नमः आवाहनम स्थानम समर्पयामि नमो नमः। भगचुंड महाकाय सूर्य को समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमद महागणाधिपतये नमः आवाहनम स्थानम निर्विघ्न कार्यम समर्पयामि नमो नमः। ओम हरि ओम हरि ओम विष्णु 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 नमः। परमानंद द्वारा नारायणी नमोस्ते। ओम दिव्यो नाम पूजनम पुष्पम तांबूलम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। ओम कर्पूरवारम करुणावतारम संतापकारम बुद्धिंदारम सदापसंतम विचारम विद्वेषं भवामि कर्तुं नमामि। ओम काराय करपूजनम पुष्पम तांबूलम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। पांच ईटे दे दो भैया। यशवीर उठा लो, नहीं तुम दे दो,
सीधी सीधी उठा लो, पाँच उठा लो सही से।